अगर आपको याद होगा तो कुछ 2-3 महीने पहले तारक मेहता में एक स्टोरी स्टार्ट हुई थी जिसमें जेठा भाई की दुकान में एक बहुत ही बढ़िया ऑफर चल रहा था कि आप 5,000 के ऊपर का कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदो और आपको एक कूपन दिया जाएगा जिसे आप स्क्रैच करोगे तो आपको कुछ ना कुछ गिफ्ट मिलेगा या फिर नहीं भी मिलेगा। लेकिन जो सबसे मेन गिफ्ट था वो था एक लाल कलर की कार जो कि किस्मत से गोकुल धाम सोसाइटी की बबीता जी जीती थी। लेकिन उस बात को भी ऑलरेडी 1.5-2 महीने हो चुके हैं रियल लाइफ में, एटलीस्ट अब शो में कितना टाइम हुआ पता है, पर वो कार कहाँ है उसका कोई नामो निशान नहीं है, कोई उसकी बात नहीं कर रहा है, कोई खबर ही नहीं है कार है कहाँ भाई। नहीं मुझे समझ नहीं आ रहा है तारक मेहता वालों ने इस स्टोरी को इतना लंबा खींचा था, ऑलमोस्ट 30-40 एपिसोड भाई कम नहीं होते, जिसमें भी कुछ 10-20 एपिसोड तो इसी चक्कर में टाइम पास हुआ था कि बबीता को उसी दिन कार चाहिए थी जिस दिन अय्यर बाहर से आ रहे उसको सरप्राइज देने के लिए, जिसमें इतना मगजमारी हुआ था और बबीता इतनी एक्साइटेड थी, इतना तड़प रही थी कार के लिए कि मेरे को तुरंत कार चाहिए, और उसी दिन कार का लाइसेंस भी बनवा के ले आई थी और उसी दिन कार सीखना भी चालू कर दी थी, इतना एक्साइटेड थी। और इतना लंबा टाइम पास होने के बाद मगजमारी होने के बाद जिस दिन कार आया उस दिन भी सब सोसाइटी वाले इतना एक्साइटेड थे, बबीता इतनी एक्साइटेड थी, तड़प रही थी, बस 3-4 दिन जल्दी निकले और मेरे को कार मिले। 2-3 एपिसोड में तो खाली महिला मंडल प्लान ही बना रही थी कि कार में कहां जाना है, कार के लिए कौन सा कपड़ा पहनना है, फलाना ठिकाना। कुल मिला के मेरे कहने का मतलब यही है कि इस स्टोरी को इतना लंबा खींचे ये लोग, 30-40 दिन टाइम पास करने के बाद बबीता को कार मिल गई थी, वो जीत गई थी और मिल भी गई थी उसको, मतलब लास्ट तक भी ऐसा लग रहा था कि शायद कुछ हो जाएगा और बबीता के हाथ से कार चले जाएगी, ये लोग दान वान दे देंगे या कुछ भी हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और बबीता जीती थी कार। पर इस बात को भी कितना टाइम हो चुका है और उसके बाद भी कितनी सारी स्टोरीज आ चुकी है तारक मेहता में, लेकिन कार की कोई बात ही नहीं कर रहा है, मेरे को समझ नहीं आ रहा क्यों। और मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा कल परसों वाले एपिसोड में आया और उसके बाद ही मैं ये वीडियो बनाने का सोचा। अगर आपने कल परसों वाला एपिसोड देखा होगा जिसमें बागा एक प्रेजेंटेशन बनाता है गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स की इन लोग को दिखाने के लिए, तो अगर आपने उस प्रेजेंटेशन में गौर किया होगा तो इसके एक सेगमेंट में ये लोग वो वाली फोटो भी दिखाते हैं जिसमें बबीता कार जीती थी, और उसी समय जेठालाल भी ये देख रहा होता है और वो ये फोटो देखकर काफी खुश भी होता है। मतलब भैया ये तो चोरी ऊपर से सीना जोरी वाली बात हो गई, बबीता कार जीती उसकी आपने इतनी हाइप बनाए, उसके ऊपर इतने सारे एपिसोड छाप दिए, फिर जैसे ही वो स्टोरी खत्म हुई 3-4 दिन में कार आने वाली है बोल के आप उस टॉपिक को ही बंद कर दिए, फिर उसके बारे में बात करना ही बंद कर दिए कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, बबीता कोई कार जीती ही नहीं, और उसके 2 महीने बाद आप जो प्रेजेंटेशन बनाए हो उसमें दिखा भी रहे हो कि बबीता कार जीती है लेकिन बात उसकी फिर भी नहीं हो रही। नहीं मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा ये लोग कार ला क्यों नहीं रहे सोसाइटी में, उस स्टोरी को आगे क्यों नहीं बढ़ा रहे। अगर वो स्टोरी अगर ये लोग आगे दिखाने वाले हैं, टाइम लग भी रहा है उसको बनाने में, तो एटलीस्ट बीच में कोई तरीके से बताई दो ना कि बबीता जी जेठालाल से पूछ रही है जेठा जी मेरी कार कब आएगी, फिर जेठा भाई बता रहे कि उसको 1 महीने लगेगा 2 महीने लगेगा, मतलब बताओ तो सही। 3-4 दिन बोल के ये लोग तो शांति हो गए, आगे कुछ बात ही नहीं कर रहे हैं। और अगर कार दिखाने ही नहीं है, दिखाने ही नहीं थी, तो उसी समय कोई भी बहाना बना के कार बबीता को नहीं दिलवाते। जैसे एग्जांपल के लिए एंड मोमेंट में जब सब कुछ हो गया, कार वार बबीता जीत गई, तो आखिरी में उसका कोई भाई भाई आ जाता, कोई रिश्तेदार, वो अपनी दुख भरी व्यथा बताता कि भाई ऐसा ऐसा हो रहा है, मुझे कार की बहुत जरूरत है, और बबीता इमोशनल होकर उसको अपनी कार दे देती। मतलब ऐसा कुछ भी दिखा सकते थे भाई, सब चीजों में तो एक्सपर्ट है ये लोग, लेकिन भैया वो भी नहीं कर रहे हैं। अब समझ नहीं आ रहा ये लोग चाहते क्या हैं। अगर आपको भी बीच बीच में कभी भी ऐसा याद आता है कि अरे बबीता तो कार जीती थी ना, तो कहां है उसकी कार, दिखा क्यों नहीं रहे, अगर आपके भी दिमाग में ऐसा सब आते रहता है मेरे जैसे, तो नीचे कमेंट में जरूर बताना भाई। तो बस भाई अब तो मैं यही चाहता हूं कि या तो ये लोग बबीता की कार ले आए, या अगर टाइम लगने वाला है तो बीच में कोई रीजन बता दे, जैसा कि ये लोग दया का बीच बीच में रीजन छोड़ते रहते हैं आने वाली वैसे कार का भी कुछ रीजन छोड़े, और अगर नहीं ही आने वाली है कार तो उसका भी कोई रीजन बता के मामला खत्म करें यार, स्टोरी को खत्म करें, आधे में छोड़ दिए, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।